नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं खबर क्रिकेट की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो आज की खबर है वो है महेंद्र सिंह धोनी को लेके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में कुछ ही दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पर क्या वो क्रिकेट खेलेंगे? जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट तो खेलेंगे पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो खबर क्या? खबर ये है कि हाल ही में सुनने आ रहा है BCCI ये सोच रही है कि क्या जर्सी नंबर 7 को स्टॉप कर दिया जाए या इसे आगे बढ़ाए रखें। अर्थात मतलब ये है कि क्या जर्सी नंबर 7 को क्या कोई और खिलाड़ी भी पहनेगा या फिर नहीं। इसी पे जो है सोच विचार चल रही है और इसी पर जो है डायरेक्ट पोल लिया गया। तो कुछ ऐसे कुछ फैन पेजेस हैं क्रिकेट एडर से, वहाँ से सुनने में आया कि जी हाँ दोस्तों, तकरीबन जो है 60% लोग ये चाहते हैं कि जर्सी नंबर 7 को बैन कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, 60% लोग ये चाहते हैं जर्सी को बैन कर दिया जाए, क्योंकि बनता भी है महेंद्र सिंह धोनी जैसे ऐसे खिलाड़ी बहुत ही महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम को बहुत कुछ दिया। 2007 का वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, भारत को टेस्ट में नंबर 1 बनाया। तो महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत कुछ किया है अपनी कप्तानी में उन्होंने। और हाल ही में भी तो कुछ ही दिनों पहले उनको PM मोदी जी, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें लेटर लिखकर भेजे, उन्हें बधाइयां दी। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए BCCI ये सोच रही है क्या इसे जर्सी को बैन कर दें या फिर नहीं। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी हो चुका है? जी नहीं दोस्तों, इससे पहले भी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं गॉड ऑफ क्रिकेट जिसे कहा जाता है सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 थी और जिसको बैन कर दिया, यानी कि अब उसे और कोई खिलाड़ी नहीं पहन सकता। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को भी अब जो है बैन कर दिया जाए। बैन कर दिया जैसे कि मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, अब उसे रोक दिया जाता है कि कोई और खिलाड़ी उसे पहन ना सकें। और वो बनता भी एक यादगार मोमेंट भी है। दोस्तों बता दूँ कि इसी के साथ साथ जो है महेंद्र सिंह धोनी मैनचेस्टर यूनाइटेड के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी धोनी की जो जर्सी है वो नंबर 7 ही है। तो 7 नंबर इसके लिए भी मैंने, और इसके अलावा धोनी के काफ़ी सारे इंडोर्समेंट है बिजनेस, उनका एक बिजनेस है 7 नाम से, उसका भी जो नंबर है वो भी 7 है, उसी नाम से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। 7 नंबर उनका इसलिए भी मैटर करता है, और 7 नंबर इसलिए भी मैटर क्योंकि तक क्रिश्चियनो रोनाल्डो, डेविड बेकहम, इन सब की जर्सी नंबर भी 7 ही है। तो क्या ये बैन करना सही रहेगा, ये गलत, ये अब BCCI इसी के बारे में सोच रही। पर अगर लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं कि गलत है, दोस्तों गलत क्यों है? गलत इसलिए और भी खिलाड़ी उस जर्सी को पहनना चाहते हैं, और अगर हम ऐसे करेंगे धीरे धीरे करके, कल हमने पहले जर्सी नंबर 10 को हमने बैन कर दिया, अब हम जर्सी नंबर 7 को भी कर दें, कुछ और खिलाड़ी जिनका सपना रहा होगा वो जर्सी पहनने का, शायद वो ना पहन सकें, ये BCCI सोचेगी। फिलहाल इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या जर्सी नंबर 7 को बैन कर दें या फिर नहीं, ये तो हमें फिलहाल बाद में ही पता चलेगा। और इसी वजह से कुछ जो थे पेजेस पे पोल भी कराया गया, तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका, 60% लोग ये चाहते हैं कि उस जर्सी को बैन करा दिया जाए। बाकी दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वो क्या लगता है कि जर्सी को बैन करना चाहिए या नहीं बैन करना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों तो बस आज के लिए इतना ही, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।